जंगल में झोंपड़ी होटल 30 रुपीज बिरयानी। राजस्थान और विंध्या पर्वत के बीच में एक जंगल था। उस जंगल के बीच में साहू कहकर एक आदमी केवल 30 रुपए में टेस्टी बिरयानी बनाकर बेचता था। उसका होटल के पास उस रास्ते में जाने वाले हर एक गाड़ी उधर रुकते थे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी उस होटल में आकर रुकते थे। साहू उस होटल को चलाने के लिए उस गांव से होटल के लिए 100 किलोमीटर की दूरी अप एंड डाउन करता था। एक दिन साहू का बिरयानी होटल में रॉकी और मिदुन कहकर दो दोस्त आए थे। वे लोग साहू का दिया हुआ बिरयानी खाए। तब साहू से रॉकी, क्या ब्रदर, केवल 30 रुपए में ही इतना टेस्टी बिरयानी खिला रहे हो? तुम्हें कुछ बचता है कि नहीं? ऊपर से इस जंगल में अकेले रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? पूछा। तब साहू, सर मुझे तो बहुत डर लगता है सर, इसलिए मैं रोशनी रहने तक बिरयानी बेचकर बाद में चला जाता हूँ। आपको एक राज की बात बताऊँ क्या? इतना कम दाम में देने के लिए कारण बताऊँ? मैं छोटे छोटे मुर्गियों के बच्चों को लाकर इस जंगल में छोड़ देता हूँ सर। वे अपने आप कुछ खाकर बढ़ जाते हैं। बाद में बड़ा हुआ मुर्गियों को पकड़कर बिरयानी बनाता हूँ। फिर भी ये जंगल माँ कितने लोगों को भी खाना देती है सर। ऐसा है ये 30 रुपए वाला बिरयानी? कहा। तब मिदुन, हाँ हाँ जंगल माँ तो सबको खाना खिलाती है, तुम तो बहुत ग्रेट हो, कहकर वो लोग चले गए। ऐसे वे लोग हर रोज आकर साहू के होटल में बैठकर बिरयानी खाकर जाने लगे। ये घोर करके एक दिन साहू उनसे, सर आप हर रोज इधर आकर बिरयानी खा रहे हैं, आपको इधर कुछ काम है क्या? पूछा। तब रॉकी, कुछ नहीं ब्रदर, हम इस जंगल में एक पिक्चर का शूटिंग प्लान किए थे, सरकारी परमिशन के लिए अप्लाई किए थे। अगर परमिशन मिल गया तो तुमको ही हम सब शूटिंग वालों के लिए बिरयानी बनाना होगा। कहा। तब साहू, ये आप क्या कह रहे हैं सर, ये तो रेगिस्तान और गाँव के बीच एक बड़ा सा जंगल है सर। जंगल में डाकू गब्बर रहता है सर, अगर उनको पता चल गया तो आपका अपहरण करने से भी आप हैरान मत हो जाइए। इसलिए मैं अंधेरे होने के बाद इधर नहीं रहता हूँ सर। आपको ऐसा विचार है तो तुरंत छोड़ दीजिए सर। कहा। तब रॉकी, ए साहू मेरा दोस्त मिदुन के बारे में क्या समझे, वो बहुत चतुर है, चाहिए तो डाकू गब्बर को भी पकड़कर उससे भी फिल्म निकालेगा, पता है? तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना हमारे बारे में, कहकर चले गए। बाद में साहू जल्दी जल्दी उसका होटल को बंद करके उसका बाइक पर बहुत देर तक जंगल के अंदर जाकर उधर एक पहाड़ के गुफा में जाकर उधर डाकू गब्बर और उसका गैंग से मिलकर राखी वालों के बारे में बताया। ये सब सुनकर गब्बर, बड़ी अच्छी बात बताए है रे साहू, आने दो उन लोगों को, मेरे से ही पिक्चर निकालेंगे, एक खेल खेलता हूँ उनसे, कह रहा था तभी पुलिस आकर गब्बर को और उसका गैंग को घेर लिए। तब साहू से राखी, अरे साहू बहुत थैंक्स तुम्हें और तुम्हारा 30 रुपए वाला बिरयानी के लिए। तुमको एक बात पता है, तुम्हारा ये 30 रुपए वाला बिरयानी पर मुझे शक हुआ है, इसलिए रेकी किया, शूटिंग के नाम पर इधर के पेड़ों पर कैमरास लगाए थे। तुम तो पहले अटेम्प्ट में ही इस गब्बर के पास आए हो और वो पकड़ा गया। कहा। तब गब्बर उनके खिलाफ वार करने के लिए कोशिश किया, लेकिन पुलिस उनके ऊपर फायरिंग करके उनको राउंड अप करके अरेस्ट करके लेके चले गए।